महाराष्ट्र फार्मा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, 5 लोग घायल, 10 लोग अंदर फंसे। ईरान के नशा मुक्ति केंद्र में लगी भीषण आग, 27 लोगों की हुई मौत। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को हाईकोर्ट से मिली राहत, अग्रिम जमानत अर्जी हुई मंजूर। बिहार में द बर्निंग ट्रेन होने से बची पूरी जयनगर एक्सप्रेस, आग की लपेटों के बीच दौड़ी बाल बाल बचे यात्री। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, AIMIM 9 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव। मुंबई के लोगों का दम घोट रही जहरीली हवा, BMC ने हाइपर लोकल डेटा प्राप्त करने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने की बनाई योजना। 2042 करोड़ रुपए दान देकर शिव नादर बने देश के सबसे बड़े दानवीर, दूसरे स्थान पर अजीम प्रेम जी। छत्तीसगढ़ में 34,000 डिफॉल्टर किसानों पर 212 करोड़ का बकाया, बैंक ने बांटे 470 करोड़ रुपए के ऋण। दिवाली से पहले फेस्टिव मूड में दिखा शेयर बाजार, हफ्ते के आखिरी सत्र में शानदार तेजी के साथ हुआ बंद, मार्केट कैपिटलाइजेशन में 182,000 करोड़ रुपए का उछाल। रेमंड ग्रुप ने डिफेंस, EV और एयर स्पेस सेक्टर में रखा कदम, MPPL में खरीदी 59.25% की हिस्सेदारी।